अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि हैदराबादी बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये छोटी मेथी गोश्त। तो उसके लिए देखिए, ये सारी चीज़ें ले ली हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, गोश्त ले ली हूँ, और ये 300 ग्राम गोश्त है, और ये बकरे का गोश्त है। आप लोग चाहे तो सेम रेसिपी बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ थोड़ा चिकना ज़्यादा है तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता। तो ये गोश्त को मैं अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, प्याज ले ली हूँ मैं, 4 बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको इस तरीके से रफली कट कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए, टमाटर ले ली हूँ मैं, 2 बड़े साइज़ के, एक छोटा सा टमाटर है, और कोथमीर 1 कट्टा, 1 बंच, हरी मिर्ची 5 से 6, और ये छोटी मेथी है देखिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में, करी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है डालने से। तो ये 4 कट्टे ले ली हूँ मैं छोटी मेथी के, और तेल 1 कटोरी ले ली हूँ, और टेबल के हिसाब से 4 टेबल स्पून है ये, एक छोटी कटोरी फुल तेल है, और हरी इलायची डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोटी मेथी में, और दालचीनी 2 इंच के 2 टुकड़े, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कुकर ले ली हूँ, और इसमें तेल डाल दूंगी, फिर तेल डाल दी हूँ, अब इसमें मैं इलायची और दालचीनी डाल दूंगी। और हरी इलायची डालने से छोटी मेथी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज डाल दूंगी, प्याज को थोड़ा सा भून लेना है, उसके बाद गोश्त डालूंगी। ये प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तरीके से ट्रांसपेरेंट होने तक इसको भून लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इस टाइम में मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी, और गोश्त डाल के भी थोड़ा सा भून लेना है इसको। अदरक लहसुन डाल दे रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून फुल डाल रही हूँ अदरक लहसुन। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल, नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैं 1 टीस्पून फुल नमक डाल रही हूँ इसमें। और लाल मिर्ची, ये थोड़ी कलर वाली है, स्पाइसी नहीं रहती है, इसमें कलर थोड़ा रहता है, इसलिए ये भी 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और ये स्पाइसी वाली 1 टीस्पून फुल। तो सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैं, और इसको अब गोश्त के साथ थोड़ा सा भून लेना है। और ये साबित काली मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये भी 10-12 बॉल्स डाल दी हूँ मैं। तो अब इस टाइम में गोश्त को अच्छे से प्याज के साथ भून लेना है, और जितना अच्छा गोश्त प्याज भून के बनाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता हांडी में। तो इसको कम से कम मैं 5 मिनट तक इसी तरीके से भूनते रहूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं मेरे को भूनते भूनते, अब इस टाइम में मैं इसमें टमाटे डाल दूंगी। तो टमाटे मैं मोटे मोटे काट ली थी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करी, क्योंकि गले में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो टमाटे डाल के भी मैं इसको 5 मिनट तक भून ली हूँ अच्छे से। पानी डाल दूंगी, तो 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसको 4 सीटी लूंगी। 4 सीटी में गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, 4 से 5 सीटी में।
और आप लोग इसको सेम बीफ में भी बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा ज्यादा सा सीटी ले लेना। और अब मैं लिड लगा दूंगी इसमें। और यहाँ पे देखिए, ये जो छोटी मेथी ली थी उसको इस तरीके से कट कर लेना है, सामने से जो इसके लीफ जो पत्ते हैं तो उसको इस तरीके से कट कर लेना है। और इसको कम से कम 4 से 5 पानी से वॉश कर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी रहती। तो अब इसको मैं वॉश कर लूँगी 5-6 पानी से। तो देखिए, 4 सीटी होने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दी थी 5वीं सीटी में, और अब मैं गैस को खोल दी हूँ। और अब इसमें सारा तेल ऊपर आ गया है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया। अब इसको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि पूरा भून के ही मैं हंडी को चढ़ाई थी, इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब इसको थोड़ा सा भूनना है। और जो भी हंडी आप लोग बना रहे, मटन की हो या चिकन की, जितना अच्छा उसको भून के बनाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। तो अब इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए, ये छोटी मेथी को और कोथमीर को भी कट कर ली मैं, और इसको 5-6 पानी से वॉश करके इस तरीके से रेडी रख ली हूँ। और आप लोग चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, कट करके आलू मेथी गोश्त भी बना सकते हैं, मगर उससे थोड़ा और टेस्ट अलग हो जाता है आलू डालने से, तो मैं आलू स्किप कर दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं आलू, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू मेथी गोश्त। तो इसको 5 मिनट तक मैं बहुत अच्छे से भून ली हूँ मीडियम फ्लेम पे। और अब इस टाइम में मैं इसमें छोटी मेथी और कोथमीर हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो अब ये छोटी मेथी डाल के इसको 5 मिनट तक ही सिर्फ कुक करना है, तो इसकी सारी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और साइडों से पूरा तेल आने तक कुक करना है इसको मीडियम फ्लेम पे। और इस तरीके से छोटी मेथी का ये ग्रेवी बनाइए आप लोग। छोटी मेथी गोश्त बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी और बहुत चटपट भी बन के तैयार हो जाती है। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता मेथी डालने से, खुशबू बहुत अच्छी आती और इलायची डालने से। अब इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने के लिए रख दूंगी मैं, जब तक साइड से पूरा तेल नहीं आ जाता। तो देखिए, साइड से पूरा तेल आ गया है इसमें, और मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब इस टाइम में मैं इसमें फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक डिश में निकाल दूंगी। तो ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, और बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप लोग को रेसिपी कैसी दिखी ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है, और आप लोग चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी और अच्छा टेस्ट आता है इसमें, अगर आप लोग आलू पसंद करते हैं तो। इसको डिश में निकाल दी हूँ मैं, और ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी डिश बनी है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और ज़रूर कमेंट्स भी करके बताइए रेसिपी कैसी है। और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।